एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रास्ते में। टाइम हो रहा है अभी 11:30 और मैं जा रही हूँ अजमेर काम से। तो काम देखो कितनी जल्दी होता है। तो अभी बस रास्ते में ही हूँ मैं, और निकल तो गए थे सुबह सुबह ही, मतलब वो जल्दी निकल गए थे सुबह। बट वो था कि मेरा मन सा नहीं था कुछ ब्लॉग करने का, क्योंकि मेरे को रहा कुछ मतलब बस वैसे ही करूँगी, इस बारे में भी डिस्कस मैं बाद में, लेकिन कुछ मन सा नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का सीरियसली। मतलब कुछ मैं फैड अप सी हुई पड़ी थी कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन नहीं, जब मैंने ये लोकेशन देखी ना तो फिर मेरे को हुआ नहीं यार, मैं देख रही हूँ तो जो मेरी फैमिली है यूट्यूब फैमिली वो भी देखेगी, है ना। तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया ये। और इस टाइम पर मैं प्रॉपर राजस्थान के आसपास ही हूँ, मतलब इतना मतलब राजस्थान भी नहीं कह सकते इसको, ये जंगल सा एरिया है मतलब। और पहुंचने वाले हैं हम 4 बजे तक पहुंचूंगी मैं अजमेर, ऑलमोस्ट 4 बजे तक पहुंचूंगी। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों को कि यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, बारिश का नामो निशान नहीं है, और हिमाचल में देख लो क्या हाल हो रहा है ना। तो कुदरत के रंग है, कभी कुछ है कभी कुछ। और उधर तो लोग तरस रहे हैं कि बारिश हो ना, और यहाँ पे लोग तरस रहे हैं कि बारिश हो जाए। और सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हालात मतलब हिमाचल के बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं इस टाइम पे, सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मैं करती हूँ दुआ भगवान से कि सब कुछ सही हो जाए। सबक जितना मिलना था लोगों को मिल लिया, बस करो अब बहुत हो गया, भगवान जी बंद कर दो, सब सुखी शांति से रहें अपने अपने घरों में, है ना। जो मर्जी है, पर लोगों के जो घर बह रहे हैं, घर ठहरे हैं, वो नहीं होने चाहिए ना, वो नुकसान बेचारा। मेरे को वो चीज़ें देख के ज़्यादा दुख हो रहा है, पर चलो कुदरत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस देख सकते हैं बैठ के, दूर देख अपनी जान बचा करके दूर बैठ के बस हम देख सकते हैं ना। और 4:30 तक पहुँचूंगी मैं अजमेर। तो देखती हूँ अभी वापसी का तो कह नहीं सकती मैं कुछ भी, वापसी शायद मेरी कल है या रात ही निकल आऊँ, अब कुछ नहीं प्लानिंग है मेरी इस चीज़ को लेकर, अर्जेंट काम था इसलिए आना पड़ा इधर। और देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है घूमने के लिए, अगर टाइम लगा तो फिर उस चीज़ को भी हम कवर करूँगी मैं। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। ट्रेन रुक गई वहाँ पे, मतलब कि हमें रास्ता देने के लिए। वाओ, तो देख लो सारी ट्रेनें रोक दी हमने। भाई क्या सिस्टम था इसका, मजेदार सा था लेकिन अच्छा लगा, ऐसे लग रहा जैसे हमारे लिए ट्रेन रुक गई और फाटक खुल गए। वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी। और मौसम यहाँ पे हो गया थोड़ा बारिश बारिश वाला, मतलब है नहीं लेकिन बड़ा गर्मी है यहाँ पे, 35 डिग्री टेम्परेचर, और सर फटने वाला हो गया मेरा कसम। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अजमेर, और अच्छी जगह है, अच्छी है अभी ये अच्छी है, अच्छी जगह है, समझ गए होंगे आप, अच्छी जगह है। बाकी मेरा जो जिस काम के लिए आई थी मैं हो गया है। और सूट मैंने इसलिए पहना था कि मेरा मन कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया जीन्स पहन पहन के ना, मैं थक गई थी। तो मैंने मुझे लगा मैं कि चल आज थोड़ा ड्रेसअप चेंज किया जाए, ट्रेडिशनल अच्छा लगता है कभी कभी, तो मैंने सूट पहन लिया था आज। बट कंफर्टेबल है, नो डाउट, मज़ा आया मुझे तो आज। और दूसरी बात की काम जिस काम से आई थी मैं वो हो गया, अभी जा रही हूँ मैं। यहाँ पर सुना है मैंने कि अजमेर में कोई दरगाह है बहुत अच्छी सी फेमस, वो देखने जा रही हूँ। और दूसरा यहाँ पर ब्रह्मा जी का टेम्पल है, वो मैं देखने जा रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा दोनों जगहों का। बहुत दूर है ये चंडीगढ़ से, बहुत ज़्यादा दूर है सच में, 10 घंटे का सफ़र चंडीगढ़ से, 10.5 घंटे का सफ़र है। मतलब अगर हम
बस में आए फिर तो और भी ज़्यादा है, गाड़ी में 10 साढ़े 10 घंटे, और हमने आते आते मेरे ख्याल से हमने 9 घंटे में कवर कर लिया था ये, है ना। पर थक गए, दोबारा नहीं आ रहा मैंने यहाँ पे, सीरियसली दोबारा नहीं आऊँगी मैं, बहुत दूर है। तो बस अभी देखते हैं, अभी दरगाह जाके, अंदर तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, कैमरा कुमरा अलाउड नहीं होता है ऐसी जगहों पे। तो बाहर का जो व्यू होगा वो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं अभी कैसा व्यू है वहाँ पे। और यहाँ पे पुष पुष पुष्कर भी पास में है, दिया और बाती जो सीरियल था उसकी शूटिंग हुई थी हनुमानगढ़ में, यहाँ पे वो भी इधर ही है, तो वो जो हनुमान मंदिर है वो वहीं पे ही है, तो आ जाऊंगी मैं। सॉरी 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 यार सॉरी, हनुमान मंदिर नहीं, ब्रह्मा मंदिर है ना, तो वो पुष्कर 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 में, इग्नोर माई स और श, बिकॉज हिमाचलियों को प्रॉब्लम होती है स और श में ना, तो वहां जाऊंगी, देखते हैं अभी मजा आएगा। गाइस ये रही अजमेर की गलियां, ये अजमेर है, अभी निकल जाता फिर याद आता मुझे कि मैंने दिखाना भी आप लोगों को, तो ये है दरगाह के लिए जा रहे हैं अभी हम, तो ये नीचे से रास्ता है, ऊपर फ्लाईओवर है। हमें पुलिस वालों ने बोला कि जो मैं गोल्ड पहन के जा रही हूँ, आई मीन कुछ भी है, तो उसको आप उतार के जाओ, क्योंकि वहाँ पे चोर बेचारी बहुत है। तो मैंने चेन भी उतार दिया है, ये ब्रेसलेट, ये एवरीथिंग मैं निकाल के जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कब क्या चीज़ हो गई है। उन्होंने मुझे सचेत करा इस चीज़ के लिए कि आप प्लीज़ मैडम, पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, फिर आप कहोगे पुलिस वालों ने नहीं ढूंढा, तो आप ये सब चीज़ें उतार के जाओ। तो मैं अभी यहाँ पे ना यही चीज़ें उतार रही हूँ, क्योंकि मेरे जो एयरिंग है ना, ये दूसरे वाले जरा सा झटका लगता है टूट जाते हैं, फिर मतलब खुल जाते हैं इजीली।
hypnotized. What's up is ये देखिए आप पानी का टैंक, ये फिर मेरी एलिजाबेथ ने बनवाया, उनकी मन्नत पूरी हुई ख्वाजा के दरबार में आने से, तो उन्होंने ये पूरा पानी का टैंक बनवाया। ये सन 1975 में बनवाया था। सामने लंगर खाना है, वो सामने है। दो टाइम लंगर चलता सुबह और शाम डेली, मेरी नमाज की कमेटी तरफ से महफिल खाना है। पीछे तो बना लीजिए, अंदर जाके आगे से जूम करके बना लीजिए। ये महफिल खाना है, ये नवाब बशीरुल्लाह ने बनवाया है। यहाँ उस मेले के टाइम पर कमाल आते हैं, दुनिया से कवाली खाना बन रहा है। ये ख्वाजा साहब की वाइफ के मज़ार, बाबा के दरबार में दर्शन करेंगे ना, उनके दो वाइफ है, दोनों के मज़ार। बाबा फरीद साहब को चिल्ला तो आप शायद नाम सुना, बाबा फरीद गंज शकर बाबा गुरु नानक साई के पीर भाई मस्जिद शाहजहाँ बादशाह की बनाई थी, ठीक है। जुमा मस्जिद बोलते हैं इसको, जुम्मे की नमाज़ पूरी दरगाह में यहीं से अदा करते हैं। ये जन्नत का दरवाज़ा, साल में चार बार ईद बकरा ईद ख्वाजा साहब के मेले में, ख्वाजा साहब के गुरु जी के मेले में, बाबा के भी गुरु जी थे, उनका नाम था ख्वाजा उस्मान भाई, उन्होंने अपने शिक्षाओं से नवाजा था बाबा को। टिकट इसलिए जन्नत का दरवाज़ा बोलते हैं कि आप इसी गेट से अंदर जाना होता था, यहीं से होता था। ये साल में बोलता है तो उसके साथ परिक्रमा लगाते हैं, गरीब आदमी को हज का सवाब मिलता है, जिन्हें यहाँ जा सकते उसका हज या कहीं जाता है। भैया गरीबों का मदीना इसलिए कहते हैं इंडिया के पास ये जैसा अभी ठंडा है ना बर्तन, बनने के टाइम ठंडा रहता है। ये है, इसमें बनता मीठा प्रसाद है ना, इसमें शिरकत होती है, इसमें जितनी अपनी नियत होती है उतनी अपन शिरकत कर देते हैं। पर आप लोगों ने कढ़ाई देखी है ना, इसके इसको चम्मच ना चम्मच ये इससे उसको हिलाते हैं, मतलब जो हलवा बनता है, और ऊपर वो कढ़ाई है। सो मैं दरगाह से आ गई हूँ बाहर, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत मज़ा आया मुझे अंदर। मतलब जो जो चीज़ें मैं कभी गई नहीं थी अंदर, मतलब मैंने कभी नहीं उस दरगाह को देखा था, लेकिन अच्छा है, मतलब मज़ा आया जा कर के। मुझे पॉजिटिव वाइब्स थी एकदम, मतलब बहुत चीज़ें, और जो लोगों ने मचा रखा था ना यहाँ पे, ये उतार के जाना, गोल्ड उतार के जाना, चलो एक आधा बंदा करता होगा वो हम नहीं कहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप आए हो नॉर्मल जाओ बस। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना नहीं था, तो मैंने भी किसी ने मुझे बोला तो मैंने सब चीज़ें उतार दी अपनी, गोल्ड वगैरह एवरीथिंग मैंने उतार दिया। तो अभी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ अफवाह में मत आएं, बस ये है कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी तो खैर भगवान का घर है, दर है, जो चीज़ जानी है वो तो चली जाएगी, वो तो बहाना लगता है कि उसने चुरा ली या वो चली गई, तो चलो कोई बात नहीं। बाकी मज़ा आया बहुत ज़्यादा, और किसी को अगर लगे टाइम तो आना एक बार। मैंने जाते हुए बोला था अभी कि क्या करना, मैंने दोबारा अजमेर यहाँ नहीं आऊँगी, बहुत दूर है, लेकिन नहीं, अगर
इन्होंने बुलाना होगा ना तुम, तो चाहे वो 10 घंटे का रास्ता होगा चाहे 100 घंटे का रास्ता होगा, फिर तो भाई आएंगे ही आएंगे, है ना। क्योंकि प्लान नहीं होता है जब तक आपको दरबार से हुक्म नहीं ना आएगा कहीं आने का, आप कभी नहीं जा सकते हो, है ना, कभी भी नहीं जा सकते। सीरियसली ये बात फैक्ट है। चलो जो भी है, मैं ये नहीं कहती सब धर्म एक जैसे हैं, जहाँ शांति मिलती है मन को वहाँ जाओ, ठीक है। सब चीज़ें एक हैं, ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये वो सब, मैं इन चीज़ों पे नहीं मानती हूँ, सब कुछ एक है बस, ठीक है। आजकल जिस हिसाब से माहौल चला हुआ है सबका, तो जहाँ शांति मिल जाए वही अपना है, ठीक है। लेकिन बाकी तो हर ही चीज़ है, नकोदर भी हम जाते हैं, लाठीशाही जी की दरगाह है जहाँ पे, वहाँ भी जाते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, लेकिन ये बड़ी चीज़ है, तो मैंने पहली बार देखी, मुझे सच में मज़ा आया। तो बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से, आगे कुछ दूरी पे पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो सोच रहे हैं यहाँ आए हैं तो उसको भी देख ही जाते हैं। कि मतलब जब दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है तो होता है ना यार गए थे देखी नहीं वो चीज़, तो थोड़ी दूर है यहाँ से, बस पहुँचने वाले हैं, एक बार उनके भी दर्शन कराते हैं क्या चीज़ है वो क्या नहीं है, तो मैं आपको उसके भी दर्शन करवाती हूँ।